संतोष दुबे जी और शीर्षक से बात करेंगे इससे कि इस समय मुख्यमंत्री जी आए हैं महाराष्ट्र से, क्या कहेंगे? वो तो रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं और उनका उद्देश्य ही रामलला का दर्शन है। भक्त आदमी है, राम भक्त आदमी है। रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमान जी का भी करेंगे, कलयुग आरती का कार्यक्रम है, लक्ष्मण किला में सभा है, इतना ही कार्यक्रम है उनका। इसके पीछे कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, सीधे सीधे से एक बात है कि वो रामलला के दर्शन करने आए। महाराष्ट्र के लोग क्या बनाए गए आपके यहाँ है? महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि रामलला के दर्शन करने आए हैं। और हम महाराष्ट्र के अपने भाइयों से कहेंगे वो और संख्या में, ज्यादा संख्या में यहाँ आवे, ये उनके स्वागत की नगरी है। महाराष्ट्र के लोगों ने अयोध्या को उपस्थित किया है। महाराष्ट्र के ही थे माननीय बाला साहब ठाकरे, जब बाबरी मस्जिद लोगों ने उठाई थी तो इस देश के सभी नेता मूक बधिर हो गए थे। पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने कहा, अन्य दलों के लोगों ने कहा था आज काला दिवस है, दुर्भाग्य का दिवस है, लेकिन माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था, हमारे शिवसैनिकों ने उसे ढाया, मैं उन पर गर्व, आज मेरे लिए गर्व का दिवस, आज भी गर्व दिवस मनाया जाता। तुम्हारा एक व्यक्ति पूरे देश पर भारी था और जब सीबीआई ने जांच करके चर्चित आखिर थी तो सरकार बनाम बाला साहब ठाकरे मुकदमे को बनाया था। तो हम नहीं है कि उन्होंने इतनी मर्दई से, इतनी बेबाकी से, इतनी बहादुरी से, इतनी जांबाजी से बात रखी थी, अब उनकी संतानें उसे न संभाल सके उनका दोष नहीं है। उन्होंने तो कभी मुख्यमंत्री पद नहीं लिया, अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को मुख्यमंत्री बनाया, मनोहर जोशी थे और भी तमाम लोग, नारायण राणे, उन्होंने तो कभी, लेकिन दुख का भी कहना है कि बने संभाल नहीं, लेकिन जब कैमरा में यूट्यूब करेंगे ना इसका, इस लाइव प्रसारण आप लोग लाइव में जब जिन दिन में छोड़ा अब देश में हिंदू और मुस्लिम चलेगा, इसे रोका नहीं जाएगा। मुस्लिमों के स्वभाव में वो पाकिस्तान की, बांग्लादेश की आदमी थोड़ा दुनिया में।